आपको दिखा के पीऊं या ऐसे घूर रहा बेशर्म, मतलब मुंह तो नीचे कर लो पानी है। अरे दारू है, पानी से इतनी एनर्जी कहाँ आएगी। मेरा सर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, वो सबकी प्रॉब्लम का एक ही क्वेश्चन है। सर खड़े हैं यहाँ पे, हम सब इनसे ही सुनने आए हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम ये फेस करके बहुत आगे आ चुके हैं। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो मैं एग्री करता हूँ कि सब उस पर एग्री करेंगे कि आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी। कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? नहीं, सबको उठाना है। देखो भाई, खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो रहे हैं। हमारे अंदर से ही एनर्जी निकलती चली जाए और उसके रुकने का कोई तरीका ना हो। जैसे एक है, अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, ये लाइट्स हैं यहाँ पर, इन सब के स्विच है, स्विच किसी ने ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, ये स्विच किसके हाथ में है? दुनिया के हाथ में है। और मजे की बात क्या है, यहाँ पे एक लाइट का एक स्विच होता है। अगर आप उस लाइट की तरह हो तो आपके 100 स्विच हैं या 1000 स्विच हैं, जितने रिलेटिव्स हैं सबके हाथ में स्विच है। किसी ने भी एक स्विच दबाया, ऑफ हो गए, फिर ऑन होने के लिए क्या करते हो, मेरी वीडियोस देखते हो। सर कुछ ऐसा कर दो कि मजा आ जाए, अंदर तक सुरसुरी छूटे हमारे अंदर तन बदन में। हाँ, ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है, इसका कोई फायदा नहीं है। रियल सॉल्यूशन क्या है कि बिल्कुल रिलैक्स होकर के आराम से ठंडे दिमाग से विद पेशेंस समझने की कोशिश करो कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। एक बात तो पक्की है, कहीं बाहर नहीं है, क्योंकि मैं किसके वीडियो देखूंगा, आपके पास तो फिर भी मैं हूं, मैं किसके देखूं, मेरे से बेटर कौन है? मेरा जो सोर्स है वो बाहर नहीं है, ये बात तो पक्की है, तो सोर्स अंदर ही है। और अगर वो सोर्स हमको समझ आ जाए तो फिर क्या फर्क होगा। एक तो है कि हम एक ऐसी लाइट बने जिसके अनलिमिटेड स्विचेस हैं और वो दुनिया के हाथ में है। ऑफ हो गए, फिर वापस से थोड़ी देर में ऑन हो गए, फिर ऑफ हो गए, फिर ऑन हो गए। एक तो ये तरीका है जीने का। एक है जस्ट लाइक सन, उसका कोई स्विच है क्या? उसको ऑफ करने का कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊंगा जो आई एम नॉट टू श्योर आप कितना उसको डीपली समझ पाओगे, बट हो सके तो समझने की कोशिश करना। आपको सूरज बनना नहीं है, आप सब सूरज ही हो। मतलब आप में, मुझ में और दुनिया के किसी भी इंसान में कोई फर्क नहीं है, रत्ती भर। और ये आप मेरी आंखों में देख सकते हो कि मैं सच बोल रहा हूं या इज इट जस्ट अ पेप टॉक। यू अंडरस्टैंड व्हाट अ पेप टॉक इज? पेप टॉक मींस कि भाई कोई बंदा परेशान है, उसको बोल रहे हैं नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जबकि हम खुद उस सिचुएशन में होंगे तो हमारी लगी पड़ी होगी। हाँ है, तो दिस इज जस्ट अ पेप टॉक, ये किसी को बोलने के लिए कि कोई मर गया है, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, तू जाने के लिए तैयार है? नहीं नहीं, इट्स नॉट अ पेप टॉक। बहुत ही डीपर लेवल से आपको कुछ बोल रहा हूँ, हो सके तो इस बात को अपने अंदर तक जाने दो। आपको सूरज बनना नहीं है, सूरज के जैसा बनना नहीं है, आप वो ही हो। अनलिमिटेड आपके अंदर एनर्जी भरी पड़ी है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन सिर्फ अपने थॉट के लेवल पे आप छोटे होते चले जा रहे हो। एज किड्स आप सब में कितनी एनर्जी थी, थी या नहीं थी? बहुत थी। कुछ फर्क पड़ता था, कभी किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब चलते ही चले जाते थे। घर वाले इतना कहते थे मत तोड़ना मत तोड़ना, नहीं तोड़ ही देते थे। सुनते थे किसी की ना जी, मतलब कमाल की एनर्जी थी। तो अब वो क्या है ऐसा जो हमारी एनर्जी को खींच लेता है? मजे की बात क्या है, वो हम सबको पता है। जो दुखी है, डिप्रेस्ड है, एंशियस है, परेशान है, उसमें एनर्जी की कमी है। एनर्जी है भी तो नेगेटिव एनर्जी है, लड़ने मरने को तो तैयार है, बट उसको बोला जाए कोई कंस्ट्रक्टिव कहाँ है? नहीं नहीं नहीं। तो ये पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एनर्जी हमारे अंदर से कहाँ से आती है? क्रिएटिव एनर्जी हमारे अंदर कहाँ से आती है? जब माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होता है, माइंड पूरी तरह से एक जगह पर लगा हुआ होता है, उसमें हजार चीज़ें नहीं घूम रही होती है। नहीं तो हमारी ब्रेन की ऐसी हालत हो जाती है जैसे कोई कंप्यूटर हैंग हुआ पड़ा है। मोबाइल में आपने ऐप्स बहुत सारी डाउनलोड कर ली है, तो भैया अब टाइम आ गया फैक्ट्री सेटिंग्स को समझने का। समझे, बच्चे फैक्ट्री सेटिंग्स पे हैं, इसीलिए उनमें पूरी एनर्जी है। और इसका सोल्यूशन क्या है, अब आपको वापस से बच्चे के जैसा बनना है, इस दुनिया के बावजूद। ये दुनिया जो बड़ों की दुनिया है, बड़े मतलब महामूर्ख जो अपने आप को बड़ा समझते हैं।